उसी तरह से सेवंथ वाला प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स आर एपी, तो सेवंथ प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व करके देता हूं। सो ये P1 क्या होगा? 4। P2 क्या होगा? 3। P3 एंड P4 1। ठीक है, सो T2 माइनस T1 तो क्या होगा? 3 माइनस 4 इज इक्वल, 3 माइनस 4 है। फिर से कुछ नहीं मतलब प्लस होता है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, जब दोनों साइन अलग होती तो क्या करते हैं हम, खुशबू? दोनों साइन अगर अलग होती तो क्या करना होता है? प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन करना होता है। जब भी साइन अलग होती है नंबर्स की तो सब्ट्रैक्शन करते हो, सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, तो 4 माइनस 3 1, और बड़े का साइन लगाएंगे तो -1। ठीक है, P3 माइनस P2 2 माइनस 3। फिर से दोनों की साइन अलग है तो क्या करना पड़ेगा, 3 माइनस 2 कितना होता है 1, और साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, P4 माइनस P3 1 माइनस 2 -2। सो प्लस है और माइनस है तो फिर से हमें माइनस ही करना पड़ेगा, तो 2 माइनस 1 1, और बड़े का साइन माइनस है इसलिए माइनस। ठीक है, तो तीनों नंबर सेम है, कांस्टेंट है, तो फिर से हम लिखेंगे हियर डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज, तो कांस्टेंट है तो कितना है, तो दैट इज -1, एंड देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ डी की वैल्यू लिख लेंगे, तो विथ डी इज इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर डी की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो करेक्शन कर लो जिनका गलत हुआ है, और बाकी अभी दो एग्जाम्पल मैंने करके दिया, बाकी के जिनका गलत हुआ है, जिन्होंने नहीं किया अभी भी होमवर्क, तो बाकी सारे कर लेना। ठीक है, अब हर एक एग्जाम्पल तुम्हें सॉल्व करके नहीं दे सकता, उतना हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, वीडियोज बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, तो आपको करना है 4 एग्जाम्पल, कल के 2 हुए थे, आज के 2, 4 एग्जाम्पल मैंने करके दिया, कैसे लिखना है समझा के दिया है, बचे एग्जाम्पल जिन्होंने नहीं किया है, जिनका गलत हुआ है आंसर देख लो, तो आपको करेक्शन करना है। अब कल हमने देखा, क्या देखा हमने कल, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये पहचानना। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया, अभी हमें आगे की टर्म पूछी जाती है कि कोई सीक्वेंस दिया है तो पहले बोला जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, और है तो आगे की 2 टर्म फाइंड करो या 3 टर्म फाइंड करो, 4 टर्म फाइंड करो, जो भी, या आपको लिस्ट ऑफ नंबर या सीक्वेंस दिया रहेगा और बोलेगा आगे की ठीक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया रहेगा और बोला जाएगा आपको क्वेश्चन में कि आगे की 2 टर्म 3 टर्म आपको फाइंड करना, तो आगे की टर्म कैसे फाइंड करना। ठीक है, तो हम यहां पहले डी निकालेंगे, और डी अगर हमें पता है तो डी सिर्फ ऐड करना है आगे में। फॉर एग्जाम्पल, कल भी हमने एग्जाम्पल देखा 2, 4, 6, 8, अब आगे का नंबर क्या आएगा, अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्यों है, क्योंकि 4 माइनस 2 2 होता है, 6 माइनस 4 2 होता है, 8 माइनस 6 2 होता है, मतलब डिफरेंस सेम है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हमें आगे की अगर टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पर, यानी डी की वैल्यू क्या होगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए 2। तो अगर हमें आगे की टर्म निकालना, तो आगे की टर्म क्या होगी, ये तो फर्स्ट हो गई, तो ये हो गई T1 T2 T3 T4। अब हमें आगे की मान लो 3 टर्म्स आपको क्वेश्चन है कि फाइंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट का मतलब होता है आगे की, सामने की, तो हमें क्या फाइंड करना है, T5 T6 और T7। तो T5 क्या हो जाएगा, सो T5 इज इक्वल टू, उसमें डी ऐड करना है, डी ऐड करने से आगे की आ जाएगी, तो 8 में क्या ऐड करेंगे, डी मतलब 2, मतलब क्या ऐड करेंगे, T5 इज इक्वल टू T4 प्लस 2 या T4 प्लस D ऐड करेंगे, और T4 की वैल्यू क्या है 8, और D की वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो गया 10, यानी हमारा T5 क्या हो गया 10। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, T6 यानी T5 में 2 ऐड करना पड़ेगा, तो यहां क्या लिखेंगे T5 प्लस D, यानी कॉमन डिफरेंस, क्योंकि कोई भी 2 टर्म का डिफरेंस
सेम होता है, तो हमें सिर्फ क्या करना है कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है तो आगे के नंबर मिलते जाएंगे। सो टी फाइव प्लस डी एन ए, टी फाइव कितना है यहाँ 10, तो 10 में हम डी ऐड कर देंगे 2, तो क्या हो जाएगा 12, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है, कि अभी हमारे पास जो नंबर है उसमें डी ऐड करते जाओ तो आगे का नंबर मिले। फिर हमें निकालना टी सेवन, तो टी सेवन क्या होगा यानी सेवन टर्म है ये, तो टी सिक्स प्लस डी, तो टी सिक्स क्या निकला हमारा 12 और डी है 2, तो क्या हो जाएगा 14, तो ये हो गया 12, ये हो गया 14, तो हम क्या बोलेंगे देयरफॉर नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 10 12 एंड 14। समझ में आ गया? अब हम एग्जांपल लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो सॉल्व एग्जांपल आपकी बुक का पहले दिया हुआ, पहला जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी, If it is an AP, find the next two terms. अगर AP है तो next two term हमें find करना। समझ में आ गया क्वेश्चन? Solve example. Page number 59. तो देखो पहला क्या है? मैं direct solution करता हूँ। Solution one. आपको question बराबर लिख लेना। Solve वहाँ करके दिया, मैं समझा के देता हूँ। तो हम solution number one कर रहे हैं। तो क्या दिया हमें? Given sequence लिख लेंगे। 5, 12, 19. 19, 26. ठीक है, ये सॉल्व एग्जांपल है, तो जो लोग वीडियो से इसको कवर कर रहे हैं तो आपको बुक लेके बैठना है, क्वेश्चन आपको पढ़ना है, मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है नंबर वन का, तो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है तो हमें पहचानना है। पहले क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर एपी, तो ये सीक्वेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, एपी है या नहीं पहचानना, और एपी अगर है तो आगे की दो टर्म निकालना। तो सबसे पहले तो एपी है या नहीं ये बताएंगे, तो फिर से क्या हमारा रूल है, यहां लिख लेंगे हियर टी वन इज इक्वल टू 5, टी टू इज इक्वल टू 12, टी थ्री इज इक्वल टू 19 एंड टी फोर इज इक्वल टू 26। फिर हम क्या फाइंड करते हैं, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 12 माइनस 5 7, फिर आएगा टी थ्री माइनस टी टू इज इक्वल टू 19 माइनस 12 इज इक्वल टू 7, और एक बार कर लो क्योंकि दो बार हमें सेम वैल्यूज मिली है, तो टी फोर माइनस टी थ्री इज इक्वल टू 26 माइनस 19 इज इक्वल टू भी 7, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, डिफरेंस सेम आ रहा, तो क्या लिखेंगे फिर से? ठीक है, अब जो बुक में दिया है वैसा भी लिख सकते हैं, जो मैंने प्रोसेस बताया उससे वो फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि उसमें डेफिनेशन कवर कर रहे हैं। सो क्या लिखेंगे हियर, डिफरेंस ठीक है बिटवीन एनी टू टर्म्स इज कॉन्स्टेंट, दैट इज सेवन एंड देयरफॉर गिवन। अब यहां क्या दिया हमें, सीक्वेंस दिया, इसलिए लिखा है गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ डी की वैल्यू क्या हो गई 7। अब हमें डी की वैल्यू मालूम है, अब हमें क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें आगे की दो टर्म हमें फाइंड करना। यहां तक पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का, एपी है या नहीं, तो हमने बता दिया कि एपी है। अब एपी अगर है तो सामने की दो टर्म, तो कौन सी टर्म हमें निकालना है, टी फोर तक दिया है, हमें टी फाइव निकालना है। ठीक है, सो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होगी, टी फाइव और टी सिक्स। सो नेक्स्ट नेक्स्ट टू टर्म्स आपके बुक में जो दिया नेक्स्ट टू टर्म्स इन एपीआर, तो डायरेक्ट डायरेक्ट दे दिया वहां पर। ठीक है, 26 में हम डी ऐड करेंगे और फिर जो आने वाला आंसर रहेगा उसमें ऐड करेंगे, इस तरह से कर दिया। सो नेक्स्ट टू टर्म्स आर, अब डी हमें मालूम है कितना है 7, और यहां का आखिरी का फोर टी फोर क्या है 26, तो 26 में 7 ऐड करेंगे तो हमें टी फाइव मिलेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट टू टर्म्स आर, तो क्या होगा 26 प्लस 7 इज इक्वल टू 33 एंड एक हो गया 33 एंड अब 33 में ऐड करेंगे 33 प्लस 7 इज इक्वल टू 40, तो नेक्स्ट क्या हो गए 33 एंड 40, सो देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म्स
in given AP are 33 and 40. ठीक है, तो ये 33 हो जाएगा, उसके आगे का 40 हो जाएगा। इस तरह से समझ में आ गया प्रॉब्लम। ठीक है, तो जिनको नोट करना है नोट कर लेना इसको। चलो उसी तरह से सेकंड एग्जांपल देखेंगे, क्या है सेकंड। तो हमें सीक्वेंस क्या दिया है, 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 10। फिर से T1 क्या हो जाएगा, सो लिखेंगे हियर T1 इज इक्वल टू 2, T2 इज इक्वल टू माइनस 2, T3 इज इक्वल टू माइनस 6 एंड T4 इज इक्वल टू माइनस 10। सो T2 माइनस T1 माइनस टू है, T2 की वैल्यू और माइनस 2 कर रहे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा, एडिशन। ठीक है, तो एडिशन कितना होगा, 4, और दोनों की साइन माइनस है तो माइनस ही रहेगा। फिर T3 माइनस T2, T3 कितना है माइनस 6 और माइनस 2, माइनस का माइनस होगा, ठीक है, माइनस माइनस, क्योंकि T3 की वैल्यू माइनस 6 है और T2 की वैल्यू तो माइनस बीच में है, और फिर T2 की वैल्यू माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कितना होगा, अब दोनों का साइन अलग है तो सब्ट्रैक्शन होगा, सो 6 माइनस 2 4, और माइनस साइन बड़े का साइन लगेगा। फिर एक बार निकालो T4 माइनस T3, T4 कितना है माइनस 10 माइनस माइनस 6 इज इक्वल, समझ में आ रहा है माइनस माइनस क्यों हो रहा है, ये माइनस ऑलरेडी ये माइनस कर रहे हैं इसलिए माइनस है, लेकिन T3 की वैल्यू क्या है माइनस 6 है, तो जो वैल्यू वही पुट करना है, तो ये माइनस 10, अब ये कैलकुलेशन करते हैं माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा तो 6 आएगा, और माइनस 10 प्लस 6 फिर से दो अलग साइन है तो फिर से सब्ट्रैक्शन होगा, तो 10 माइनस 6 4, और ये बड़े का साइन माइनस है इसलिए माइनस, तो ये हमेशा ध्यान में रखना, एडिशन सब्ट्रैक्शन बराबर करना, अगर यहां गलत हो जाएंगे तो आंसर गलत हो सकता है। सो हियर फिर से क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन 2, अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं लेकिन आप अच्छे बराबर लिखना, 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट दैट इज माइनस 4 एंड देयरफॉर गिवन सीक्वेंसेस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ डी की वैल्यू माइनस 4। अब हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट टू टर्म्स, ठीक है, सो देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म्स आर, तो नेक्स्ट टू टर्म्स क्या होगी, पहली टर्म क्या होगी माइनस 10 में माइनस 4 एड करेंगे, ठीक है, डिफरेंस को एड करना आगे, तो क्या होगा ये माइनस 10 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 4, माइनस 4 ये डिफरेंस है, ठीक है, तो माइनस 10 ये वाला है तो इसमें हम आगे एड कर रहे हैं, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 10 माइनस 4, अब दोनों का साइन सेम है तो क्या होगा एडिशन, ये हो जाएगा 14, और जो साइन है वो साइन लगेगा, दोनों का माइनस है तो माइनस ही आंसर है, तो अगली टर्म होगी माइनस 14। एंड अब इसके आगे की टर्म क्या होगी, सो माइनस 14 प्लस माइनस 4, फिर से माइनस 4 ऐड करेंगे तो यहां हो गई 10 के बाद में माइनस 14, अब माइनस 14 के बाद में फिर से माइनस 4 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस 14 माइनस 4, यानी 14 प्लस 4 18, और ये माइनस साइन है तो माइनस 18, और फाइनल आंसर लिखेंगे देयरफॉर नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ एन एपी आर, तो कौन सी है ये माइनस 14 एंड माइनस 18, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बुक में भी सॉल्व किया है, जो आपको इजी लगता है वो करो, मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, यहां इस तरह से अभी तक सॉल्व करते हैं तो इस तरह से करो, तो कर लो इसको नोट।